रोज एक खास समय पर दरवाजे की घंटी बजती है, अंदर से आवाज आती है कचड़े वाला होगा। हम दो थैलियों को लेके जाते हैं और उसके दो डिब्बों में सूखा और गीला कचरा डाल करके दरवाजा धड़ से बंद करके अंदर चले आते हैं। हमको उसका नाम नहीं पता है, सब उसको कचड़े वाले के नाम से ही जानते हैं, और हम क्या, पूरी कॉलोनी में किसी को उसका नाम नहीं पता। अगर वो घंटी दो बार बजा देता है या देर होने पर कचरा छोड़ के चला जाता है, एक दो दिन नहीं आता है, तो जब वो आता है तो हम उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, झगड़ते हैं, क्या क्या बोलते हैं, भाई वो इंसान तो है नहीं, उसके बीवी बच्चे तो है नहीं, उसकी तबीयत खराब तो हो नहीं सकती है, उसके समय की तो वैल्यू है नहीं, यानी हम उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। तुर्रा ये है कि हम कहते हैं सब हम मेंटेनेंस देते हैं, हम म्यूनसिपलिटी का टैक्स देते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम पे करते हैं, लेकिन अपने घर की गंदगी ले जाने के लिए करते हैं, न कि किसी की इज्जत का कबाड़ा निकालने के लिए करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई महात्मा गांधी ने गरीब भूखे नंगे मजबूर लोगों को लेकर लड़ी थी, सत्य और अहिंसा के हथियार से लड़ा था। सच तो ये था कि ये उनकी मजबूरी थी, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। कहीं ये कचरा वाला हमारे द्वारा किया गया अपमान, तिरस्कार, घृणा बर्दाश्त कर रहा है, ये उसकी मजबूरी तो नहीं? कहीं हमारे अंदर वो अंग्रेजों वाली मानसिकता तो नहीं है? अरे अपने आप को सिर्फ उस समय के लिए उसके स्थान पर रख के देखिए, आप सिर्फ कल्पना में नहीं वहां रह सकते हैं, वो काम करने की तो बात छोड़ दीजिए, कल्पना कीजिए कि जितने सफाई कर्मी हैं, जितना कचरा उठाने वाले हैं, सब इस काम को करने से मना कर देते हैं। जैसे आजकल आवारा कुत्तों को पकड़ने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, बंदरों को पकड़ने वाले लोग नहीं मिल रहे, फांसी देने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, कहते साहब हमने वो काम छोड़ दिया, वो मेरा पुश्तैनी काम था, हमने छोड़ दिया, हमसे अब नहीं होगा। अगर ये लोग भी ये काम छोड़ देते हैं, फिर आपके अंदर के और आपके घर के अंदर की गंदगी का क्या होगा, कचड़े का क्या होगा? इसलिए दोस्तों सबसे पहला काम यह है कि जो स्वच्छता अभियान है, ये सिर्फ सफाई कर्मियों पर प्रधानमंत्री द्वारा एक बार पुष्प वर्षा करने तक सीमित नहीं रखा जाए, यह सबसे निचले स्तर पर हर देश के हर घर में, हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे लोगों को इज्जत की जानी चाहिए, इनका शोषण बंद होना चाहिए, इनसे प्यार से बात होनी चाहिए। हम सबको अपनी बात से, व्यवहार से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से इनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना होगा, इनको ये महसूस कराना होगा कि उनकी जो सहभागिता और उनका जो काम है वो देश के प्रगति और विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है, नहीं तो जो कमजोर, गरीब, असहाय दिखने वाला व्यक्ति है उसके अंदर का महात्मा गांधी जिस दिन जग गया और वो सत्याग्रह पर उतर आया तो हमारे सामाजिक ताना बाना का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे अंदर और घर के अंदर की गंदगी का क्या होगा? इसलिए भाइयों और बहनों, आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, इस तरह के लोगों, सफाई कर्मी और जो कचड़े वाले लोग हैं, इनके अंदर गांधी के अक्स को देखिए, उनको रेस्पेक्ट कीजिए, उनको महत्वपूर्ण बनाइए, तभी हमारा देश महत्वपूर्ण बनेगा, हम महत्वपूर्ण बनेंगे और एक समाज में समरसता और अच्छी फीलिंग आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।